तो गाइस यार लॉस सैंटोस के अंदर एक रेयर बाइक का चैलेंज चल रहा है और मुझे उसमें से वो सबसे रेयर वाली बाइक चाहिए। हेलो भाई साहब, तुम ही दे रहे हो रेयर बाइक? अरे हाँ, मैं ही दे रहा हूँ वो रेयर बाइक्स। बताओ क्या पैसे है तुम्हारे पास? पैसे? हाँ, ये फ्री की थोड़ी, इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अरे भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे अलावा और कोई भी नहीं आया। नहीं नहीं, आता ही होगा कुछ ही देर में, एक बंदा है फोन मिला के बोला तो उसने आता ही है वो भी। और थानोस को भी चाहिए रेयर बाइक, खतरनाक वाली। थानोस को ये खतरनाक वाली रेयर बाइक दे दो। अरे ये कौन फटीचर खड़ा है मेरे सामने? अरे ये देखो आगे थानोस यहाँ पर लेने के लिए। अरे मेरे को सबसे महंगी वाली रेयर बाइक दे दो। अरे सबसे महंगी वाली बाइक तो तुम ले भी नहीं सकते थानोस, वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। सबसे पहले तुम्हें ये वाली बाइक लेनी पड़ेगी जो सबसे सस्ती है, जिसकी कीमत है 1000 रुपए। तुम ये वाली बाइक लोगे फिर तुम्हें दूसरी बाइक मिलेगी। हाँ तो ठीक है ठीक है, एक काम करो, तुम थानोस को चलनी सी 1000 रुपए वाली बाइक दे दो, जो कोई सी भी बाइक है। हाँ तो मैं जैसा बता ही रहा था, तुम्हें भी 1000 रुपए वाली लेनी पड़ेगी और थानोस को भी 1000 रुपए लेने वाली पड़ेगी। ये 1000 रुपए वाली है ना कमाल की, ये देखो बिल्कुल एंटीक पीस है, तुमने आज से पहले ऐसी बाइक नहीं देखी होगी। ये बाइक है क्या? हाँ ये बाइक है, तुम्हें ये लेना पड़ेगा, बाद में तुम्हें दूसरा बाइक मिलेगा, समझ में आया? हाँ तो ठीक है 1000 रुपए ये पकड़ जल्दी से तेरे। ओ बेटे क्या एंटीक बाइक है, खतरनाक वाली। थानोस को वैसे सबसे खतरनाक वाली बाइक चाहिए। थानोस अभी इस बाइक को लेके जाएगा और फिर थानोस और पैसे लेके आएगा, फिर खतरनाक वाली बाइक लेके जाएगा। अबे भाई साहब ये तो थानोस के वेट से चल भी नहीं रही है। अरे कितनी अजीब बाइक है, टट्टी कर रहा हूँ ऐसा लग रहा हूँ। हाँ तो भाई तू क्या देख रहा है, तू भी तेरी बाइक ले ले और जाए यहाँ से, और अगली बाइक की कीमत 10000 रुपए। 10000 रुपए लेके आएगा जब मैं तेरे को अगली बाइक दूंगा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर फिलहाल तो मेरे पास 1000 रुपए ही नहीं है। अरे चल एक काम कर, मैं तेरे को डिस्काउंट में 500 रुपए में देता हूँ, पर वीडियो को लाइक करवा, चैनल को सब्सक्राइब करवा जल्दी सी। ओके तो गाइस यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो ओपी डोपी, जिससे यार मुझे यह बाइक मिल जाए। हाँ जल्दी करो यार, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है ना? और 500 रुपए दो। ओके तो गाइस यार हमने इसको 500 रुपए दे दिए, अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरे को डिस्काउंट भी नहीं मिलता। अबे ये कैसी बाइक है यार, चल क्यों नहीं रही है? अरे अरे ये रियर बाइक है तो अच्छे से चलाओ इसको, तब चलेगी ये। अरे काय की रियर बाइक है, चली नहीं रही? अरे कंट्रोल तो करो, तुमसे अच्छी तो थानोस ने चला ली थी। अरे ऐसी बात नहीं है, थानोस ने मुझसे अच्छी अच्छी कैसे चला ली? ये देखो भाई सब सही में कितनी अजीब है, बैलेंस करके चलाना पड़ रहा है ज्यादा इसको। अरे क्या बेकार बाइक है यार, 500 रुपए खराब हो गए यार। इसकी तो टॉप स्पीड देख रहे हो कितनी कम है यार, 40 की। इसे तेज तो मैं भागी लूंगा, क्या करूं इसका मैं? भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया इस बाइक को चलाते चलाते, सही में यार क्या खटारा बाइक है। साइड में रोकता हूं, उतर इस पे से, भाई दिमाग खराब हो रहा है सही में। इतना तेज चल रही है, हवा भी नहीं आ रही, ऊपर से इतनी तेज धूप है, बेकार कहेगी कबाड़ा है इसको तो मैं तोड़ दूंगा, पर क्या करूं यार, मेरे तो सारे पैसे इसके अंदर चले गए। अब और पैसे कहां से लाऊं यार, कैसे लूं 1000 रुपए वाली बाइक, समझ नहीं आ रहा। ओ मैं निकला ओ गाड़ी लेके, ओ रास्ते में एक मोड़ आया। अरे एक सेकंड, अरे आदमी के पास बाइक कुछ खतरनाक सी लग रही है मेरे को। अरे ओए दोस्त, ये तेरी बाइक है क्या? अरे कौन है भाई? अरे दोस्त मैं हूँ कल्लू कालिया। अच्छा भाई साहब, हाँ ये तुम्हारी बाइक है क्या? हाँ ये मेरी ही बाइक है। अरे भाई साहब क्या मस्त बाइक है, मैंने आज से पहले नहीं देखी ऐसी बाइक, मैं एंटीक चीज चलाने में बड़ा दिलचस्पी रखता हूँ। हाँ भाई साहब चाहिए क्या तुम्हें बाइक? हाँ चाहिए चाहिए, कितने की है ये? है भाई ये 10000 रुपए की है। हाँ 10000 रुपए, ये तो काफी सस्ती है। ठीक है ये लो तुम्हारे 10000 रुपए और ये बाइक मेरे को दे दो, क्या एंटीक बाइक है यार, सही में मजा आएगा इसको चलाने में तो। हाँ ठीक है भाई, दे दे मेरे को 10000 रुपए और तू इस बाइक को ले जा। हाँ तो ठीक है मेरे को दे दो 10000 रुपए, मैं तो चला बेटे, क्या बाइक मिली है सही में 10000 रुपए में। वैसे तुम्हें कहाँ से मिली है बाइक? ये तो मैं नहीं बता सकता मुझे कहाँ से मिली है बाइक। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, नहीं बता रहे हो तो 10000 रुपए मैंने तुम्हें दे दिया और तुम चाहो अब यहाँ से। तो गाइस यार यहाँ पर हमें 10000 रुपए मिल चुके इस खटारा सी बाइक के लिए। है ये देख मैं 10000 रुपए लेके आ चुका हूँ। अरे तुम्हें 10000 रुपए कहाँ से मिले? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास 500 रुपए भी नहीं थे। अरे वो मुझे कहीं से भी मिले हो, थानोस ले गया दूसरी बाइक? नहीं नहीं थानोस अभी तक आया नहीं है, वो नहीं पता कहाँ खो गया है, पैसे लेने गया बताया है। हाँ तो मेरे को तू जल्दी से ये बता दे 10000 रुपए में कौन सी बाइक मिलेगी मेरे को? 10000 रुपए में तुम्हें मिलेगी लोड स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मिलेगी मेरे को 10000 रुपए में। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मेरे को फिलहाल 10000 रुपए मिली है स्प्लेंडर। इससे अगली बाइक कितने की है? इससे अगली बाइक है पूरी 1 लाख रुपए की। ओके ठीक है भाई साहब, ये कितनी अजीब बाइक है सही में देख रहे हो। कोई बात नहीं यार, पर कम से कम ये तेज तो भग रही है, 90-100 तो जा रही है। ये देखो भाई यार 130, ओ तेरी ठुक गई भाई, लोड स्प्लेंडर टूटती तो नहीं है। पर यार मैं क्या करूँ, ये बाइक तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो सबसे रेयर बाइक चाहिए यार, और ये कोई रेयर बाइक तो नहीं है। हाँ लॉस सैंटोस के अंदर ऐसी बाइक किसी के पास नहीं है। एक काम करता हूँ मैं लॉस सैंटोस के गाँव में चलता हूँ वहाँ पर। हाँ तो गाइस यार अभी हम लोग आज के गाँव के अंदर, तुम्हें पता है गाँव में लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है स्प्लेंडर, लोड स्प्लेंडर। चलो इस बाइक को देके आता हूँ जाके कहाँ पर है गाँव वाले लोग। बोरे वहाँ पर यार दूध या रहता है एक, ठीक है
बिल्लू दूधिया, उसको देखता हूँ जाके, पक्का वो बाइक ले ही लेगा, बिल्लू दूधिया को काफी पसंद आएगी ये वाली बाइक। आगे से ठाके और ये लगाए ब्रेक, तो गाइस यार ये देखो ये रे गांव वाले, यहाँ पर बाइक को खड़ी कर देता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। जैसे ये देखेंगे बाइक, गाइस यार बैठ के ली यार, बचपन की यादें ताजा हो गई भाई, बड़ा मजा आता था खेलने में यार। ये देखो साइड में ईंट का फोरा रख के और भागते थे यार, तेज तेज मजा आता था। और ये देखो गाइस यार अपने गाँव का नलका तगड़ा वाला भाई, इसमें से अनलिमिटेड पानी आता है। और ये देखो भाई बिटोड़ा, अरे यार ये तो भैंस का है गाय का पता नहीं कौन सा बिटोड़ा है, पर भाई तीन तीन चार पांच छह बिटोड़े यार यहाँ पर, बढ़िया यार। और ये तो भाई ट्रैक्टर का टायर अपने नाना का, ठीक है भाई। अरे ये क्या छी यार, चूहा मरा पड़ा है, एक पता नहीं कबूतर भी मरा पड़ा है यहाँ पर टॉयलेट के अंदर। आई सब ये टॉयलेट की हालत तो कभी नहीं सुधरेगी। और यहाँ पर अपनी गैया मैया, अरे सिट पानी पी रही थी, मैंने टक्कर मार दी गलती से, सॉरी गैया मैया। और यहाँ पर भाई अंकल की गाड़ी पड़ी हमेशा की तरह कचरे तरीके से। और आगे देखते और क्या क्या है यहाँ पर। ओ भाई साहब ये देखो भाई, यहाँ पर ये रहा भाई, इसको क्या बोलते थे, बैलगाड़ी का कुछ बोलते थे पीछे का जिगा, हाँ बैलगाड़ी के लिए। और ये देखो भाई अपने मटके रखे ठंडे ठंडे पानी के लिए। भाई ये देख रहे हो बिल्लू दूध यानी यहीं पर ये मिलावट करता है दूध के अंदर भाई, दूध के अंदर पानी मिला के लेके जाता है। और ये देखो अंडे देने के लिए यहाँ पर मुर्गियाँ खड़ी है इतनी सारी। और ये रही बिल्लू दूध की बाइक जिसके ऊपर वो दूध बांटने जाता है डेली, देख रहे हो भाई सब। अरे भाई साहब इधर आना। हाँ क्या हो गया? अरे भाई साहब ये तुम्हारी बाइक है क्या? हाँ मेरी ही बाइक है। अरे बता रहा हूँ बिल्लू ले ले इस बाइक को तू। अरे पैसे नहीं है यार। अरे बिल्लू काम आएगी तेरे। अरे पैसे होते तो मैं ले ही नहीं लेता क्या इसको। अरे बिल्लू दूध दूध बेचियो इसको ऊपर रख के। अरे चल ठीक है देखता हूँ भाई कितने की है ये। भाई ये बाइक, ये पूरी बाइक है 1,10,000 रुपए की। अरे इतने तो नहीं है, मैं तो 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ। अरे बिल्लू दूध या को ये 1,00,000 रुपए में दे दोगे स्प्लेंडर बाइक, दूध बेचेगा तुम्हारे घर में आके। पक्का? हाँ बेटा डेड है यार, मेरे बेटे को डेड है ये बाइक 1,00,000 रुपए में। ओके तो गाइस यार जैसा मैंने बोला था, तो ठीक है आप ले लो ये 1,00,000 रुपए में बाइक, ठीक है। वो शुक्रिया बेटा तेरा, 1,00,000 रुपए में तूने हमें स्प्लेंडर लोड स्प्लेंडर दे दी। अरे बेटे मजा आएगा इसके ऊपर तो चलने में। अरे बिल्लू दूधिया रुक मैं चला के देखता हूँ पहले। ओ बेटे बिल्लू दूधिया क्या बाइक है, कमाल की है ये। अरे बाइक तो मैंने खरीदी है, मजे तू क्यों ले रहा है? अरे तू चलान देना। वो यार ये शाइम यार ये तेरा दोस्त है ना, चीजें खुद तो पैसे खर्चता नहीं और मजे पूरे लेता है। अरे बेटा बिल्लू दूध ये देख, ये तेरी दूध वाली बाइक हो गई और ये तेरी लोड स्प्लेंडर हो गई, दूध वाली बाइक मैं चला लूं। अरे पापा इसको देखो ना। ओरा तू क्यों चलाएगा मेरी बेटे की बाइक? हाँ हाँ ठीक है पेमेंट कर दो यार, तुम लोग लड़ते रहो, जिसको जो बाइक चलानी है चलाओ मेरे लेके, पर मुझे जल्दी सब 1,00,000 रुपए दे दो तुम, ठीक है ना? अरे हाँ भाई देंगे 1,00,000 रुपए, क्यों नहीं देंगे 1,00,000 रुपए। बिल्लू दूध ये क्या कर रहा है, पैसा लेके आना, देना इसको जल्दी से। वो ये ले बेटे 1,00,000 रुपए दे रहे। अरे यह क्या धमाका हुआ, पट गया क्या लगता है कुछ? पता नहीं कहाँ क्या फट रहा है। हाँ चलो ठीक है भाई साहब, शुक्रिया आप लोगों का। तो गाइस यार यहाँ पर हमें 1,00,000 रुपए मिल चुके, लेट्स गो चलते हैं यहाँ से, टिडिक चलते हैं भाई, भागो यहाँ से जल्दी। ये बेटे मजा ही आ गया यार सही। ओ भाई रेयर बाइक्स बेचने वाले, ये ले तेरे 1,00,000 रुपए जैसे मैंने बोला था। अरे तुम 1,00,000 रुपए भी कर लिए जुगाड़, थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास 10,000 रुपए तो 1,00,000 रुपए भी आ गए। थैनोस कहाँ पर है? थैनोस ऑलरेडी लेके जा चुका 1,00,000 रुपए वाली बाइक। क्या डायरेक्ट इतनी जल्दी 1,00,000 रुपए वाली खरीद ली उसने? अरे पता नहीं कहाँ से पैसे लेके आया, पर उसने डायरेक्ट 1,00,000 रुपए वाली बाइक खरीद ली, कमाल तरीके से है बिल्कुल। ओके ओके ठीक है तो गाइस यार यहाँ पर 1,00,000 रुपए वाली बाइक भी खरीद ली है उसने। हाँ चल अब मेरे को दे दे जल्दी से 1,00,000 रुपए वाली बाइक। हाँ 1,00,000 रुपए वाली बाइक वहाँ ऊपर है, ले लो। हाँ ठीक है चलो भाई हमने ले लिया अभी 1,00,000 रुपए वाली बाइक। और ये देखो क्या खतरनाक बाइक है यार, कूल है ना भाई सब। इसका टायर देखो पिछला वाला कितना ज्यादा मोटा है यार। ये भाई हार्ले डेविडसन की कॉपी है, हार्ले डेविडसन तो बहुत महंगी आती पर ये वाली बाइक भी कमाल की है। वो यहाँ पर तो मेरा दोस्त रहता ना नन्नी, चलो यार नन्नी से मिलके आते हैं, यही पर रहता है भाई। यहाँ पर देख रहे हो अपना नन्नी यार सुपरस्टार बन चुका है, कौन सा करता है यार नन्नी का। नन्नी अरे वो रहा उस तरफ है शायद घर नन्नी का, नहीं पता कौन सा करता है यार, कहाँ पर रहता है नन्नी। अरे क्या हाल है सुमित? अरे कौन बोल रहा है? अरे ये रहा मैं। अरे नन्नी क्या हाल है, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं यार। अरे तू कैसे घूम रहा है इधर? अभी यहीं से जा रहा था जब याद आई तुझसे मिल लूं। अरे तेरा घर तो बहुत बड़ा है यार सही में। अरे मेरा घर नहीं है, काम करता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा काम करता है तू? अबे यार तुम जल्दी क्यों नहीं लगा रहे हो यार, जल्दी से एक बड़ा पाव लगा, तो मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे को एंट्री लेनी है जाकर, जल्दी लगा। अरे भाई लगा रहा हूँ ना, तोड़ क्यों रहे हो? वो डेडपूल का बच्चा हर बार मुझसे ज्यादा अच्छी एंट्री मारता है। अरे तो डेडपूल को हराओ ना तुम। अरे कैसे हराऊं पता ही नहीं यार, वो क्या क्या लेके आता है, हर बार इतनी धासु एंट्री मारता है, मेरी एंट्री उसके आगे कुछ भी नहीं लगती। ऐसे चलता रहा तो मार्वल वाले मेरे को निकाल के फेंक देंगे, मेरे को मेरी धासु एंट्री लगानी पड़ेगी कैसे न कैसे करके।
अरे भाई साहब मैं फिलहाल तुम्हारा बर्गर लगा देता हूँ। अबे यार मैंने बताया ना बर्गर नहीं चाहिए मेरे को। एक सेकंड, ओह माय गॉड क्या बाइक है धासु तरीके की। अगर ये बाइक मुझे मिल जाए तो मैं मेरी एंट्री में चांद चांद लगा सकता हूँ। हाँ ये बाइक तो कमाल की, अगर ये बाइक मुझे मिल जाए तो इससे क्या एंट्री होगी मेरी मूवी के अंदर, मजा आ जाएगा, डायरेक्टर भी खुश हो जाएगा बैठ के देखने। तो अरे ये क्या लगता है भगवान ने ये बाइक मेरे लिए ही भेजी है, इससे तो क्या स्टंट लगेंगे खतरनाक वाले, क्या एंट्री होगी कमाल की, बिल्कुल बिड़ू मजा आ जाएगा, ये क्या घूम रही है, डायरेक्टर को बिल्कुल ऐसी चीज चाहिए होगी मुझसे। अरे भाई साहब किसकी है ये बाइक, मेरे को लेके जाना इस बाइक को। अरे कौन है, अरे भाई मेरी बाइक क्यों चला रहा है तू। अरे कौन बोला भाई, जल्दी आओ यार मेरे को तुम्हारी बाइक चाहिए, कौन बोल रहा है। एक सेकंड रुकिए मेरे दोस्त, मेरी कोई बाइक छेड़ रहा है, ठीक है ना। हाँ चला जा कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो गाइस यार देखते हैं। अरे भाई कौन छेड़ रहा है मेरी बाइक। अरे यार मैं छेड़ रहा हूँ, मुझे नहीं छेड़ते क्या तुम। वुल्वरीन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वुल्वरीन। अबे यार मेरे को तेरी ये बाइक चाहिए, अपन कोई बाइक मांगता तुम्हारा। किस लिए चाहिए तुम्हें मेरी बाइक। अरे मेरे को एक मूवी के शूट पर जाना है और मेरे को मेरी एंट्री बिल्कुल धासु एंट्री करनी है, उसके लिए मेरे को तेरी बाइक की जरूरत है, डेडपूल को हराना है मेरे को इस बार। अच्छा तेरे को बाइक चाहिए मेरी, ओके तो गाइस यार दे देता हूँ, वैसे वुल्वरीन का फैन हूँ मैं। ठीक है भाई ले जा यार वुल्वरीन, तेरे को कैसे मना करूँ मैं। हाँ तो शुक्रिया यार तेरा, बिल्कुल खुरपा खाड़ के। खुरपा खाड़ के, अरे सॉरी खुरपा गाड़ के, तुम्हें गड़वाना है क्या खुरपा। नहीं 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 मेरे को तुम्हारे खुरपे वुरपे नहीं गड़वाने, तुम बाइक ले जाओ ठीक है। कितनी देर में आ जाओगे। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर तुम देखना मूवी के अंदर मेरी एंट्री इस बार इतनी कमाल की होगी, डेडपूल की पीछे से फट जाएगी। ओके ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि डेडपूल से भी सॉलिड एंट्री किसी की हो, कोई सुपर हीरो की। हाँ तो यार मेरे को जल्दी से ये बाइक दे दो यार, इतनी बातें मत करो, थोड़ी देर में डायरेक्टर आता होगा, बोलेगा कहाँ रह गया कहाँ मर गया। अच्छा हाँ वही तो यार, अब तुम जाओ यार जल्दी से, बस इतना टाइम वेस्ट मत करो यार मेरा। ओके ठीक है सॉरी बहुत ही ज्यादा सॉरी, वैसे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सिग्नेचर मिलेगा आपका। अरे वो सिग्नेचर नहीं होता पागल, ऑटोग्राफ होता है। हाँ वही ऑटोग्राफ। अबे मैंने बोला यार डायरेक्टर अभी मेरे को लेके जाएगा, अगर मैं लेट हो गया तो डायरेक्टर मेरे को मूवी में से निकाल देगा, और तुम्हें पता है अगर मैं मूवी में से निकल गया तो फिर मैं तुम्हारे खुरपा घुसा दूंगा। ओके ठीक है सॉरी, आ जाना थोड़ी देर में जल्दी से बाइक लेके। हाँ तो जाओ अब यहाँ से। अबे यार ये क्या, एक स्टंट में इस गाड़ी में से तो धुआं निकल गया यार, लगता है इस बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से जाके जिसकी है ये उसे वापस दे देता हूँ, फालतू में खराब हो गई तो मेरे ऊपर गिर जाएगा आके वो। अरे यार भाई साहब हेलो यार, ये तो तुम्हारी बाइक में से धुआं निकल आया। अबे वुल्वरीन ये क्या किया तूने। अबे मैंने क्या किया, कुछ नहीं बस 10वीं मंजिल से बाइक को कुदाया और इसमें से धुआं निकल आया। अबे ओ भाई ये कोई बैटमैन की बाइक नहीं है, ये सुमित की बाइक है भाई, ये बैटमैन वाली नहीं है जो 10 मंजिल से कुदा रहा है तू। अबे यार सॉरी यार, सॉरी वोरी से काम नहीं चलेगा भाई, मेरे को पैसे चाहिए इसके। अबे इसके पैसे कितने लगेंगे, मेरे को इसके 10 लाख रुपए चाहिए पूरे। क्या बकवास बात कर रहे हो यार, 10 लाख रुपए। हाँ भाई मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, मेरी बहुत महंगी बाइक है ये, तुमने तोड़ दी है। चलो ठीक है यार, वैसे डायरेक्टर को मेरी एंट्री पसंद आई इसलिए डायरेक्टर ने 4 करोड़ रुपए दिए, उसमें से 10 लाख तुम ले लो। मेरी बाइक में से धुआं निकाल दिया भाई, क्या खुदाई है तूने। अबे यार कोई बात नहीं, पर मेरा सीन अच्छा हो गया। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मेरे को 10 लाख रुपए मिल चुके हैं, मेरे को लगा नहीं था मेरे दोस्त के पास आने पर मुझे ये मिलने वाला है, मेरे को ये तो बिल्कुल नहीं लगा कि भाई कि यहाँ पर वुल्वरीन मिलेगा और वुल्वरीन मेरी बाइक ले जाएगा और खराब कर लाएगा और उसके बदले मेरे को 10 लाख रुपए मिल गए यार, है कमाल का भाई, अच्छा लग चल रहा है तुम्हारे भाई का। चलो यार वापिस चलते हैं क्योंकि जो अगली बाइक मेरे को लेनी है जाके वो 10 लाख रुपए की है, अब देखते भाई जब मजा आएगा, लेट्स गो देखते भाई 10 लाख रुपए में कौन सी वाली बाइक मिलने वाली इस बार तुम्हारे भाई को। तो यार इसमें से जो धुआं निकल रहा था पता नहीं वो अपने आप सही हो गया थोड़ी देर में, मेरे को लग रहा है इसका शायद इसका इंजन गरम में हो गया बस। ओके भाई मेरे को अब 10 लाख रुपए वाली बाइक दे दे जल्दी सी। अरे थेनोस तू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। थेनोस को भी 10 लाख रुपए वाली बाइक मिल चुकी है। ओए मेरे को भी दे दे यार 10 लाख रुपए वाली बाइक। हाँ, क्यों नहीं, ये रही 10 लाख रुपए वाली बाइक। और हाँ अब मेरी बात सुनो, जो अगली बाइक है वो तुम्हें पैसों से नहीं मिलेगी। फिर कैसे मिलेगी। उसके लिए खतरनाक वाला अल्टीमेट रैम चैलेंज होने वाला है, जो भी उसमें जीतेगा उसको मिलने वाली है अगली बाइक। अच्छा मतलब जो सबसे महंगी बाइक है वो हमें रैम चैलेंज में मिलेगी। हाँ एकदम सही, क्योंकि थेनोस और तुम दोनों के पास पैसे हैं फिलहाल। पैसे वैसे है नहीं मेरे पास। हाँ है मेरे पास भी। हाँ तो वही तो मैं किसी एक को ही दे सकता हूँ वो बाइक, क्योंकि वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। ओके तो गाइस यार मैं तैयार हूँ यहाँ पर थेनोस को धूल चटाने के लिए। वो भाई सब देख रहे हो हायाबुसा क्या कमाल की बाइक है। अपने सपने में सुमित तुम मुझे धूल चटाओगे। अब मैं हकीकत में तुझे धूल चटाऊंगा, रुक जा अभी तू। हाँ तो तुम लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज में। तुम दोनों में से जो भी आज का ये रैम चैलेंज जीतेगा उसे मिलने वाली है दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट रेयर बाइक और एंटीक बाइक, जिसकी कीमत है पूरे 400 करोड़ रुपए। थेनोस को वो बाइक चाहिए क्योंकि थेनोस के पास सारी की सारी रेयर चीजें है, थेनोस भी रेयर है और साथ में थेनोस की बाइक भी रेयर होनी चाहिए, इसलिए मेरे को ये बाइक किसी हालत में भी चाहिए। नहीं नहीं भाई मेरे को चाहिए यार, कितनी मेहनत की है मैंने यहाँ पर
कराने के लिए यार। मैं गांव में भी गया था, मैंने उस आदमी को अपनी बाइक बेची, उसके बाद मेरे दोस्त के पास गया था, बैटमैन के साथ बकवास करी, आखिर में भाई मुझे ये मिलनी चाहिए, इतनी मेहनत करी है मैंने, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ तो वो देखते हैं, तुम्हें यहाँ से स्टार्टिंग करनी है अपनी बाइक लेके, और उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना है इन कॉइंस के ऊपर से निकल के इस तरफ आओगे, उसके बाद यहाँ से बाइक को कंट्रोल करके यहाँ पर आना, उसके बाद यहाँ से फुल स्पीड में आगे जाना, और यहाँ से खतरनाक वाली जंप लगा के तुम यहाँ पर आओगे, बैलेंस करते हुए तुम्हें यहाँ पर इन टाइल्स के ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा निकल के यहाँ पर आओगे, और ये जो आगे ये बहुत गर्म है, ध्यान से कहीं तुम्हारे बाइक के टायर्स ना फट जाए, फिर घूमते हुए फ्लोर पे से तुम बर्गर के ऊपर नाचते हुए यहाँ पर आओगे, और स्प्राइट के कैन के ऊपर से डांसिंग बोल करते हुए तुम यहाँ पर स्टॉप के साइन से आगे निकलोगे, और यहाँ से जंप लगा के जो यहाँ पहुंचेगा उसे मिलने वाली है सबसे रेयर बाइक, जो है सबसे ज्यादा कूल, बोले तो सबसे ज्यादा कूल। थैनोस सबसे पहले जाएगा क्योंकि थैनोस यहाँ पर जीतने वाला है। ओके तो गाइस यार यहाँ पर सबसे पहले जा रहा है थैनोस, वो तो सही है थैनोस मुझसे पहले जा रहा है, इससे कम से मेरे को ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर बाइक तेज चलानी और कहाँ पर धीरे चलानी है, मतलब मेरे को पता लग जाएगा किस तरीके से मेरे को यहाँ पर हैंडलिंग करनी है। थैनोस को कोई बताने की जरूरत नहीं क्योंकि थैनोस सबसे ज्यादा ओपी। अच्छा तो सुमित ओपी के चैनल पे होके और तू खुद को ओपी बता रहे? हाँ ओपी तो मैं ही हूँ। ओके तो गाइस यार तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर असल में ओपी है कौन, ये है ओपी या फिर मैं हूँ ओपी? अरे ओपी तो मैं ही हूँ। अबे वो तो मेरे दोस्त तेरी जो बैंड बजाएंगे ना। अरे तेरा दोस्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा मेरे दोस्तों को चैलेंज कर रहा है तू? हाँ क्या है तेरे फटीचर से भिकारी दोस्त। अबे भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, इसका तो ज्यादा ही मुंह चल रहा है, मैं तेरे दोस्तों से नहीं डरता, चिल गयू से कहीं के छोटे छोटे बच्चे। गाइस यार इसको तो मजा चिखाना ही पड़ेगा, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो थैनोस बैंगन, जिससे इसकी बैंड बज जाए, बैंगन लिख दो बस तुम लोग कमेंट बॉक्स के अंदर। अब किसी ने भी कमेंट बॉक्स के अंदर बैंगन लिखा तो घर आके मारूंगा। अच्छा तू मेरे दोस्त को मारेगा? हाँ घर में घुस के मारूंगा। गाइस यार तुम लोग तब लिख ही दो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बैंगन, जिसे देखते कि थैनोस आके किस किस को मारेगा। अरे किसी ने भी लिखा तो देख लेना, रात को सपने में आके डराऊंगा। अभी तो घर पर जा रहा था। अरे मतलब थैनोस घर पर नहीं जाएगा ना किसी के। अबे तू ज्यादा, ओ ये देखो भाई यहाँ पर तो हार ही गया भाई थैनोस। अरे वहाँ पर ये बैंगन तो हार गया, पर मुझे नहीं लगता तुम भी जीत पाओगे क्योंकि ये रैम चैलेंज इतना ज्यादा हार्ड है, आज तक इसे कोई भी नहीं जीत पाया है, मतलब आज तक किसी ने $100 million वाली बाइक ली नहीं है। अरे $100 million की नहीं, वो उससे भी ज्यादा महंगी है, सुपर रेयर है। अच्छा इसी तरीके से तूने इतनी सारी बाइक्स कमाई हैं? और क्या तुम्हें क्या लगता है, और मैं चाहता भी नहीं तुम यहाँ पर जीतो। ओके तो गाइस यार देख रहे हो ये स्कैम करता है लोगों के साथ, ये इतना हार्ड रैम चैलेंज उसने यहाँ पर बना रखा है, आज तक कोई जीता ही नहीं है, जितने लोगों ने भी इसके चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है बस पैसे दे के हार जाते हैं, पर तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं हारेगा क्योंकि तुम्हारा भाई है सुपर ओपी प्रो, तुम्हारे भाई को कोई नहीं हरा सकता। अरे टाइम पता लगेगा कौन हारेगा कौन जीतेगा। अबे तू जाना चिलगुजे, जीतूंगा तो मैं ही यहाँ पर। गाइस यार इसको यहाँ पर बस अगर हम लोग हरा दे तो इसकी सबसे रेयर बाइक तुम्हारे भाई की हो जाएगी, और फिर आगे जाके इन फ्यूचर ही किसी को भी चूना भी नहीं लगा पाएगा, है ना कमाल का आइडिया तुम्हारे भाई का। ओ यार यहाँ पर क्या करना है, इस बॉल के ऊपर से जाना है मेरे को? नहीं 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 यार रिक्स नहीं लेता हूँ, फालतू में बॉल से नीचे गिर गया तो। अबे भाई अब यहाँ पर मेरे को इसके ऊपर बैलेंस करना है लकड़ी के लट्ठे से, और एकदम बिल्कुल परफेक्टली हम लोग आगे आ चुके हैं। तो गाइस यार यहीं कहीं पर हुआ था थैनोस डिस्क्वालीफाई, शायद आगे हुआ था, मेरे को और आगे जाना चाहिए अभी। ओ भाई सब उठ गई आगे से, साइड में लेते अब धीरे धीरे। हाँ यही पर हुआ था थैनोस डिस्क्वालीफाई, अब मेरे को यहाँ से फुल स्पीड में बाइक भगानी, और ये लगाई हमने जंप। ओ बचा भाई लास्ट टाइम पे, वो तुम्हारे भाई ने यहाँ पर बूस्ट लगा दिया, वरना बैंड ही बच गई थी तुम्हारे भाई की। ओए ये क्या, मेरा हवा में था भाई पैर, तुम लोगों ने देखा हो तो, अजीब ग्लिच था। अब यहाँ पर क्या करना है यार, ये सबसे हार्ड लग रहा है क्यों मेरे को? अरे भाई ये तो बहुत हार्ड होने वाला है, कंट्रोल करनी पड़ेगी बाइक धीरे धीरे, अगर ज्यादा पावर दे दी तो सीधा नीचे जाऊंगा। कंट्रोल कंट्रोल बिल्कुल परफेक्टली, ये देख रहे हो तुम्हारा भाई कैसे कंट्रोल करके मस्त तरीके से आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये देखो भाई, ओए इस वाली टाइल के ऊपर बिल्कुल डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे हम लोग, क्योंकि भाई हमारी गाड़ी बाइक का भी कलर येलो है और टाइल का भी येलो है। और ये देखो बस भाई हो गया कंप्लीट। चलो भाई ओ भगाओ भगाओ तेज भगाओ, अगर धीरे करी तो टायर फट जाएगा गर्म होके। नहीं 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 साइड साइड में चलाता हूँ यार, अब साइड साइड में तो आग है ही नहीं है ना तुम्हारे बाइक अंदर दिमाग, मैं क्यों फालतू फायर के बीच में चलाऊं, पर मेरे को फायर के बीच में से जाना पड़ेगा। अरे भाई लगता है कपड़े जल गए, थोड़े से गर्म हो गए थे। अब घूमती हुई टाइल्स के ऊपर आ चुके हैं, फिर उसके बाद बर्गर पे जाना है, फिर आएंगे पेप्सी के कैंस, और आखिर में फिर हम लोग जीत जाएंगे। देखो मेरे को फिनिश लाइन भी दिख रही है यहीं से ही। ओ भाई साहब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता वो सबसे रेयर बाइक लेने से। ओए ये क्या भाई, ये देख रहे हो यहाँ पर ये पेड़ उल्टे क्यों है भाई, पता नहीं यार ये उल्टे लटक कैसे रहे, इनकी मट्टी कहाँ पर चली गई। ओए ये देखो भाई कितने बड़े बड़े बर्गर है भाई, इतने बड़े बड़े बर्गर आए कहाँ से? अरे समित भैया मेरे। अबे सिंचन तू
अरे ऐसे में मेरी दुकान से लिए गए ये बर्गर। ओके तो गाइस यार यहाँ पर इतने बड़े बड़े बर्गर है स्पॉन्सर्ड बाय सिंचैन। भाई सिंचैन भी कमाल का है सही में। ओ ये देखो भाई स्प्राइट की एक्सट्रीम कैंस इनके ऊपर से निकलते हैं। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी कोई मॉन्स्टर के लिए बनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा बर्गर कोई मॉन्स्टर ही खाता होगा यार। मतलब मेरा तो पूरा घर वाले खा ले जब भी कम नहीं पड़े इतनी बड़ी बर्गर तो, और साथ में इतनी बड़ी स्प्राइट। भाई कितनी सारी पेप्सी आती होगी, हमारी तो पानी की टंकी भी इससे छोटी है जितनी बड़ी ये स्प्राइट की कैन है। अम्बे तो यार बस बस हम लोग जीतने ही वाले हैं। ये क्या है भाई स्टिक से यहाँ पर रास्ता बना रखा है। बस थोड़ा सा और यहाँ पर फुल स्पीड में हम लोग चले, घुमाई बाइक साइड में से और ये लगानी एक लास्ट जंप। ओ भाई बच गया, नाइस। ओहो तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग जीत चुके हैं। अरे भाई साहब सही वक्त पे कूद गया, वो बाइक नीचे गई क्या मेरी? चलो बिल्कुल लास्ट में जाके नीचे गिर गई, इसको नीचे ही गिरा के आता हूँ, चलना नीचे। ओए ये देखो भाई आधी नीचे आधी ऊपर, क्या बची है बाइक बार बार, इसको नीचे ही गिराता हूँ। अरे नहीं गिर रही, नहीं गिरेगी नीचे। चलो यार अपनी सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव रेयर बाइक लेता हूँ जाके। अरे भाई साहब ऐसा लगता है ये बाइक तुम्हारे भाई के लिए बनी है, देख रहे हो कैसे लेट के चला रहा हूँ इस बाइक को। अबे ये तो पोकेमोन बाइक है यार, कमाल की यार सैमी, ये लगाई हमने जंप। अरे पागल हो क्या, तोड़ोगे इस बाइक को, इतनी ऊंचाई पे से जंप लगा दिए तुमने। अबे इतनी महंगी बाइक है, अगर ये भी टूट गई तो फिर भाई सभी बाइक को टूट ही जाना चाहिए। गाइस यार तुम लोग देख रहे हो कितनी हवा में ऊपर रैंप चैलेंज हो रहा था, सोचो कि मैं रास्ते में कहीं पर नीचे गिर जाता तो भाई तुम्हारे बाइक का काम ही खत्म हो जाता। ये बस पहुंचने वाले हम लोग नीचे। अबे ये क्या, ये बाइक उड़ रही है क्या? और क्या पागल, जभी तो मैंने बोला कि कुछ नहीं होगा, अबे तू तो बोला टूट जाएगी। अरे मैंने कब बोला? गाइस यार ये देख रहे हो ये बाइक हवा में उड़ रही है यार, कमाल बाइक है यार ये तो सही में। देखो भाई वीडू मजा ही आ गया, कैसे लगे आपको ये पोकेमोन खतरनाक वाली बाइक, क्या सुपर रेयर बाइक है यार सही में। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो छोटे लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले भटक गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए सायोनारा। चलो अब शहर के अंदर चलता हूँ, लड़कियां पटाता हूँ जाके, भाई सब लोग फैन हो जाएंगे इस बाइक को देख के।